This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, तो देखिए आगे वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। 7 सितंबर 2020 के लिए जो मैंने आपको कॉल्स दी थी उनमें से देखिए एक तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर दी थी, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर भी मैं मॉर्निंग में कॉल प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए किसी का भी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, टारगेट ही अचीव हुए हैं, बाकी इस वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा। तो चलिए सीधा सीधा बात कर लेते हैं 8 सितंबर 2020 के लिए जो स्टॉक्स मैंने आपके लिए चुने हैं उनके लिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स की क्या कॉल थी, आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट पर जब आप विजिट मारेंगे तो आपको वहाँ पर अवर लेटेस्ट अपडेट में सारी जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स की कॉल थी दिख जाएगी, तो आप वो भी विजिट मार सकते हैं। चलिए बात कर लूँ मैं कल के लिए। कल के लिए मैंने पहला स्टॉक आपके लिए चुना है एक्सिस बैंक, जिसे आप बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा 461 का। टारगेट रहेगा 463, 467, 472, स्टॉप लॉस रहेगा 457 का। स्टॉप लॉस रहेगा सॉरी आपका बाय साइड का स्टॉप लॉस रहेगा 457 का। शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी 456 की। टारगेट रहेगा 454, 450, 446 का और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 460 का। ध्यान रखेंगे लेवल ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। बाय साइड का लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 461.10 जब स्टॉक की प्राइस हो जाएगी तब आप इसे बाय कर लेंगे। शॉर्ट सेलिंग प्राइस के लिए 455.90 जब आ जाएगा स्टॉक की प्राइस तब आप इसे शॉर्ट सेल कर लेंगे। अगला स्टॉक है हमारा जिंदल पॉली, जिसे आप बाय करके चलेंगे 451 पे। टारगेट रहेगा 453, 458, 462, स्टॉप लॉस रहेगा 448 का। शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगा आपका 447, टारगेट रहेगा 445, 442, 438 का और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 450 का। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर स्टॉक गैप शो कर रहा है, यानी कि गैप अगर कोई स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो, तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे 10 AM का। 10 AM के अंदर गैप फिल हो जाना चाहिए। गैप फिल कैसे होगा, ये जो बाइंग प्राइस है और जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस है इसके बीच में कहीं पे वो एक मिनट का होल्ड ले। होल्ड कैसे लेगा, अप एंड डाउन करेगा इन दोनों के प्राइस के बीच में। हो सकता है वो बाई साइड पे ही होल्ड ले ले, बाई की प्राइस पे ही होल्ड ले ले, तभी भी आप बाय कर सकते हैं। और इसका अपोजिट गैप डाउन ओपन होने पर शॉर्ट सेलिंग प्राइस पे ही होल्ड ले ले एक मिनट का, तब भी आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमसे कोई भी क्वेरी करनी है, आपको डिस्प्ले में नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइबर की कॉल आप देख सकते हैं, हमारा प्लान भी बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में विजिट मार के। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, मॉर्निंग में आपको वहाँ पर भी कॉल प्रोवाइड होती है।